ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सुखदेव जी के जन्म की कथा के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से ऐसे गूढ़ ज्ञान देने का अनुरोध किया जो संसार में किसी भी और जीव को प्राप्त ना हुआ हो। वह अमरत्व का रहस्य प्रभु से सुनना चाहती थी। अमरत्व का रहस्य किसी कुपात्र के हाथ ना लग जाए इस चिंता में पड़कर महादेव पार्वती जी को लेकर एक निर्जन प्रदेश में पहुँच गए। उन्होंने इस कथा को सुनाने के लिए एक गुफा चुनी और उस गुफा का मुख अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर महादेव ने देवी को कथा सुनानी शुरू की। पार्वती जी थोड़ी देर तक तो आनंद लेकर कथा सुनती रही। जैसे किसी कथा कहानी के बीच में हुंकारी भरी जाती है, ठीक उसी तरह देवी काफी समय तक हुंकारी भरती रही, लेकिन जल्दी ही उन्हें नींद आने लगी। उस गुफा में तोते यानी सुख का एक घोंसला भी था। घोंसले में अंडे से एक तोते के बच्चे का जन्म हुआ। वह तोता भी शिव जी कथा सुन रहा था। दोस्तों महादेव जी की कथा सुनने से उस बालक में दिव्य शक्तियाँ आ गई। जब तोते ने देखा कि माता सो रही हैं, तो कहीं महादेव कथा सुनाना बंद ना कर दें, इसलिए इस डर से उस बच्चे ने पार्वती की जगह हुंकारी भरने लगा। महादेव जी कथा सुनाते रहे, लेकिन शीघ्र ही महादेव को पता चल गया कि पार्वती के स्थान पर कोई और हुंकारी भर रहा है। वह क्रोधित होकर सुख को मारने के लिए उठे। सुख वहाँ से निकल कर भागा। वह वेद व्यास जी के आश्रम में जा पहुँचा। व्यास जी की पत्नी ने उसी समय जम्हाई ली और सुख सूक्ष्म रूप धारण कर उनके मुख में प्रवेश कर गया। भगवान शंकर ने जब वेद व्यास की शरण में उस बालक को देखा तो उन्होंने उस बालक को मारने का विचार त्याग दिया। सुख वेद व्यास की पत्नी के गर्भस्थ शिशु हो गए। गर्भ में ही उन्हें वेद उपनिषद दर्शन और पुराण आदि का असमयक ज्ञान प्राप्त हो गया था। दोस्तों सुख ने सांसारिकता को देख ली थी, इसलिए वह माया के पृथ्वी लोक के प्रभाव में आना ही नहीं चाहते थे। इसलिए वह ऋषि पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष तक नहीं निकले। वेद व्यास जी ने शिशु से बाहर आने को कहा, लेकिन वह यह कहकर मना करते रहे कि संसार तो माया मोह है, मुझे उसमें नहीं पड़ना। ऋषि पत्नी गर्भ की पीड़ा से मरणासन हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण को इस बात का जब ज्ञान हुआ तो वह स्वयं वहाँ आए और उन्होंने सुख को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण से मिले इस दिव्य वरदान के बाद ही सुख ने गर्भ से निकलकर जन्म लिया। जन्म लेते ही सुख ने श्री कृष्ण और अपने माता पिता को प्रणाम किया और तपस्या के लिए जंगल चले गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहकर पुकारते रहे, किंतु सुख ने उस पर कोई ध्यान ना दिया। व्यास जी चाहते थे कि सुख श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करे, किंतु सुख तो कभी पिता की ओर आते ही ना थे। इसके बाद वेद व्यास ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाने की एक युक्ति बनाई। उन्होंने श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाया और उसका आधा भाग शिष्यों को रटा कर उधर भेज दिया जिधर सुख ध्यान लगाते थे। एक दिन सुखदेव जी ने भी वह श्लोक सुना। वह श्री कृष्ण लीला के आकर्षण में खींचे सीधे अपने पिता के आश्रम तक चले आए। पिता व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक का विधिवत ज्ञान दिया। सुखदेव जी ने इसी भागवत का दिव्य ज्ञान राजा परीक्षित को दिया, जिसके दिव्य प्रभाव से राजा परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया था। तो यह था दोस्तों श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा। आशा करते हैं आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है दोस्तों, और दोस्तों आप इसी तरह धर्म और पुराण से जुड़ी हुई जानकारी जानते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।